Well, जिकल प्रोसेस है, excretion. Excretion, है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिजम अपने बॉडी के एक्सेस और टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं मेटाबोलिज्म के उससे छुटकारा पाता है ऑर्गेनिज्म गेट्स रिड ऑफ इट अपनी बॉडी से निकाल पाता है एक्सक्रीशन बॉडी से अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेस निकालता है और बॉडी फ्लूइड्स का आयनिक कॉन्सेंट्रेशन भी रेगुलेट करता है और तो और बॉडी का वाटर कंटेंट भी रेगुलेट करता है और उनका पीएच भी एक प्रोसेस है जिसे ऑसमो रेगुलेशन कहते हैं विच इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस अक्रॉस द बॉडी किडनीज इसको भी काम करने में हेल्प करता है किडनीज ऐसे ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी में जो ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं और सॉल्ट और वाटर बैलेंस हमारी बॉडी में बनाए रखते हैं अगर ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक पेयर ऑफ किडनीज़ है एक पेयर ऑफ़ यूरेटर्स एक यूरनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा किडनीज दो किडनीज हमारे अबडोमिन में लोकेटेड होती है वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन जो यूरिन किडनी में प्रोड्यूस होता है वो यूरेटर विच आर लॉन्ग ट्यूब्स वहाँ से पास होके यूरिनरी ब्लैडर पर आता है और वो यूरिनरी ब्लैडर में तब तक स्टोर्ड रहता है जब तक वो यूरेथ्रा से निकल नहीं जाता किडनीज़ बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है जहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड जैसी चीज़ें ब्लड से निकाली जाती हैं और तो और किडनी के पास बहुत ही थिन बहुत ही पतली वॉल वाली ब्लड कैपिलरीज हैं जिनको फिल्ट्रेशन यूनिट्स भी कहते हैं उनका नाम है नेफ्रॉन्स अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे विच इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन जो पेपर्स में कई बार पूछ ली जाती है नेफ्रॉन्स किडनी के बेसिक फिल्टरिंग यूनिट्स हैं और उसके मेन कॉम्पोनेंट्स हैं फर्स्ट क्लोमरियोलस सेकेंड बोमिन कैप्स्यूल एंड थर्ड अ लॉन्ग रीनल ट्यूब्यूल बहुत ध्यान से अब इस प्रोसेस को समझिएगा ब्लड किडनी में एंटर होता है थ्रू द रीनल आर्टरी एंड ये फर्दर ब्रांच करती है छोटी छोटी कैपिलरीज में जो ग्लोम से एसोसिएटेड है वाटर और सॉल्यूट जो है वो ट्रांसफ़र होता है नेफ्रॉन में एट बोमेंस कैप्स्यूल प्रोक्सिमल ट्यूब में कुछ सब्सटैंस एसिड्स ग्लूकोस और सॉल्ट्स को सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो अनवांटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यूरिन में ऐड कर दिए जाते हैं अब जो फिल्टरेट आया फिल्टरेट मतलब जो छन के जो फिल्टर होकर आया वो मूव करेगा इन टू द लूप ऑफ हैंडले जहाँ पे और कुछ जो भी पानी है ज़रूरत का वो अब्ज़ॉर्ब किया जाता है यहाँ से फिल्टरेट मूव करता है अपवर्ड्स इनटू द डिस्टल ट्यूब एंड फाइनली इनटू कंडक्टिंग डक्ट कंडक्टिंग डक्ट यूरिन को कलेक्ट करता है ऑलमोस्ट सारे नेफ्रॉन से एंड किडनी में जो यूरिन बनता है वो लॉन्ग ट्यूब्स जिनको यूरेटर्स कहते हैं वहां पे होकर यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है और यूरिनरी ब्लैडर में तब तक तक रहता है जब यूरेथ्रा से पास ना हो जाए। प्लांट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैसे एक्सक्रीट करते हैं जो मेजर वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं प्लांट्स के वो गैशियस और लिक्विड होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन वाटर एट्सेट्राउंड तो प्लांट्स अपने गैशियस प्रोडक्ट्स से जो रिड करता है अपने आप को छुटकारा पाता है वो तो स्टोमेटा, इन लीव्स एंड लेंटिकल्स इन स्टेम से पाता है और एक्सेस वाटर जो होता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपेरेशन की प्रोसेस से इवेपोरेट हो जाता है कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स तो लीव्स में स्टोर होते हैं जो शेड हो जाते हैं गिर जाती हैं और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि गम रेजन एट्सेट्रा वो जाइलम में स्टोर हो जाते हैं कई बच्चों को क्यूरियोसिटी हो सकती है कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल कैसे निकालते हैं कैसे रिमूव करते हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो वेस्ट मटेरियल को बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अपनी बॉडी से निकालते हैं हम सबको डिफ्यूजन तो पता ही है क्या होता है हमने नाइन्थ में पढ़ा था कि डिफ्यूज़न क्या होता है द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटांसिस